नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म, है ना। देखते हैं, नाउ प्रिज्म में भी बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन फेनोमेनन ही पढ़ते हैं, है ना। देखा जाए क्या क्या होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिज्म का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग एक लिखते हैं। ना, आई होप कि आप समझते भी होंगे, समझे। अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, तो बेसिकली इसको ये एंगल जो होता है या ये जो सामने वाला फेस है रेक्टेंगुलर और जो एक पीछे वाला फेस है रेक्टेंगुलर और इस वाले एंगल को ए लिखा जाता है। एंड इन जनरल इसका डायग्राम जो फेमसली यूज होता है वो ये, हाँ जी, ये अगर हम लोग इधर से देखें तो ये हमारा व्यू है। नाउ दिस इज ए, हाँ, हम लोग लिखते हैं अपेक्स एंगल, यही ए होता है, या हम इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म भी लिखते हैं, बिल्कुल, है ना, या हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी लिखते हैं, एंगल, है ना, बिल्कुल। नाउ इसका क्या मतलब है और क्या चीज होता है। देखिए रिफ्रैक्शन में हमारा रेक्टेंगुलर जो पार्ट है वही पार्टिसिपेट करता है। दैट इज अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये रे जो है सपोज ऐसे ये जा रहा है तो नो डाउट यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे। ये जाना तो चाहता था जो भी था, फिर ये यहां पर बेंड हो गया, राइट। नाउ यहां पर भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, चलिए इसको अगर हम लोग एन लिखते हैं इसको हम लोग एम मान लेते हैं, तो यहां पर भी फिर से ये अगर हमारा नॉर्मल है तो फिर ये जाना तो चाहिए था ऐसे लेकिन फिर से ये ऐसा। जो हम लोगों ने सिचुएशन ड्रॉ करा है उसमें ये मानते हुए ड्रॉ करा है कि इन, हाँ, प्रिज्म जो है वो सराउंडिंग से ज्यादा है, राइट। नाउ जो इन प्रिज्म है जिसको कि हमने इन लिख रखा है वो ग्रेटर है इन सराउंडिंग या इन मीडियम जो है, हम लोग एयर फिलहाल लिख रहे हैं, राइट, ये हमारा एयर है, हाँ। नाउ कुछ कुछ बातें जिनको ध्यान रखनी है। दिस इज आई, सपोज ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग आर वन बोलते हैं, ये अगर आर टू है तो इसको हम लोग ई, हाँ जी, नॉर्मल से एंगल, राइट। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये पहला रिफ्रैक्शन है, ये दूसरा रिफ्रैक्शन, हाँ जी, और जितने पावर निकल रहा है वो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, राइट। देखिए अगर हम लोग इनके लिए लिखें तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है कि एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो इस कंस्ट्रक्शन का है। उसका सामने से जो हम लोग देख रहे हैं वो तो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रेक्टेंगुलर फेसेस पे होते हैं, राइट। नाउ हमारे पास इसका कैलकुलेशन जो है वो लिखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करेंगे कि इसका डेविएशन का, तो ध्यान दीजिए,
रेज जो है वो तो जाना तो चाहिए था, ये इसका इनिशियल डायरेक्शन है और फाइनली वो पहुंचा है ये। हाँ जी, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो डेविएशन है वो इतना है, ये हाँ ये वाला नेट डेविएशन हम लोग लिखें तो ये हमारा है। समझ रहे हैं? नाउ आप अगर और देखेंगे तो देखिए, पहला डेविएशन को हम लोग इसको डेल्टा वन मानते हैं। हाँ जी, ये पहले जा रहा था फिर इधर हुआ। दूसरा डेविएशन ये हमारा है, हाँ, एंड डेल्टा टू। अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, राइट। एनीवे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। एट इन, हाँ जी, अगर हम लोग डेल्टा वन की बात करें तो नो डाउट आई माइनस आर वन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। एंड सिमिलरली एम पर बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ई माइनस आर टू। हाँ जी, ये वाला आर टू है, बिल्कुल नॉर्मल से रे का एंगल। एट एम अगर हम लोग लिखेंगे और डेल्टा टू लिखें तो वो आ जाएगा ई माइनस आर टू। टोटल डेविएशन की अगर हम लोग बात करें, डेल्टा, तो दिस वैल्यू डेल्टा विल बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दैट इज की आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू आ रहा है, दिस इज द वैल्यू। हाँ, नाउ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग एंगल को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा आर वन आर टू को, थोड़ा एक बार और करते हैं। देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल जो दिख रहा है इसको अगर एम एन, और चलिए मैं एंगल ऑफ प्रिज्म को ए माना है तो मैं पी लिखता हूं, तो ट्रायंगल अगर हम लोग लिखेंगे एम एन पी या एन एम पी, तो इंटीरियर एंगल, देखिए अगर ये वाला एंगल जो है, हाँ, तो ये तो पूरा, तो ये आपका 90 है नॉर्मल, उसमें से आर वन घट गया, ये आ गया। हाँ जी, सिमिलरली पूरा 90 में से ये आर टू घट गया तो ये आ गया, और ये ए है। तो अगर आप बात करेंगे टोटल एंगल जो है तो वो आ रहा है 90 माइनस आर वन प्लस 90 माइनस आर टू प्लस ए मिला के 180 होना चाहिए, इंटरनल एंगल, टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल 90। हाँ जी, राइट। नाउ यहां से अगर आप देखेंगे ये कैंसिल हो जा रहा है, ए की वैल्यू जो है वो आ गया आर वन प्लस वॉट आर टू, आप इसको वन मान लीजिए, से इसको टू मान लीजिए, एंड दिस इंप्लाइज की जो नेट डेविएशन है आई प्लस ई माइनस ए। यस, ये एक स्टैंडर्ड आपका क्या बोलिएगा डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंटली पूछता है, या आपके बोर्ड वगैरह में भी दो चार नंबर में पूछा जा सकता है ना। एनीवे ये हम लोगों ने लिख दिया। नाउ इसमें जो बात एक और इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो ये, देखिए हम जानते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट, है ना। तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर हम इंसिडेंट को ई कर दें, हाँ जी, मतलब इसी रे को अगर हम लोग उल्टा कर दें, समझ रहे हैं, तो भी हमारा डेविएशन क्या आएगा, सेम आएगा। हम्म,
जो डेविएशन है वो सेम आ जाएगा। नाउ अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, इसको हटाते हैं, लिखते हैं। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये कुछ ऐसा आता है। हाँ जी, नो डाउट ये जो आता है वो आई की वैल्यू ई के बराबर। हाँ, और अगर लिखेंगे ये सब मैक्सिमम है, जो भी है हम बात करेंगे, बट ये आपका जो है वो मिनिमम है, राइट। नाउ डेल्टा मिनिमम की बात करेंगे ना, तो ये मिनिमम डेविएशन हमारा इतना आ जाता है। डेल्टा मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा आई और ई दोनों बराबर हैं, तो आई प्लस आई माइनस ए, टू आई माइनस ए फॉर मिनिमम डेविएशन अगर हम लोग बात करें। डेविएशन तो आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाता है, हाँ, और अगर आप इसको लिखेंगे तो आर वन इक्वल्स टू आर टू भी आता है दोनों, हाँ जी। और ये वैल्यू जो अगर लिखेगा तो वो आ जाएगा आप इक्वेशन टू से ए बाई कितना टू, बिल्कुल आर वन आर टू बराबर। नाउ एनीवे अगर हम इस चीज को थोड़ा और एनालाइज करें ना, तो ध्यान दीजिए क्या है कि मिनिमम का हो गया कंडीशन हम लोगों ने लिखा। अगर मिनिमम के अलावा आपने कोई भी ऐसा डेविएशन लिखा, समझ रहे हैं, डेल्टा नॉट या डेल्टा ही लिखें, तो ध्यान दीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके दो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहे हैं। ये I1 है और ये आपका I2 है, हाँ जी। इस डायग्राम को थोड़ी देर और मैं रहने दे रहा हूं, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग लिख रहे हैं क्या, अदर देन मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या है, डेल्टा मिनिमम, देयर आर टू वैल्यू ऑफ आई फॉर विच डेल्टा इज सेम। आप देख सकते हैं ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा डैश में लिखूं तो डेल्टा डैश के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर विच डेल्टा डैश इज सेम, हाँ दोनों के। नाउ ये आई वन और ये आई टू है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है ना, हाँ जी। नाउ और अगर हम लोग बात करें तो देखिए बेसिकली आई टू जो होता है ना वो आपका ई वन होता है, यस। देखिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस आया, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रीन एरो मतलब आप अब इसको ई वाले को अब इंसिडेंट कर दोगे तो इमरजेंसी ये आ जाएगा। ये चीज होती है कि जो आई टू होता है मतलब सेकेंड इंसिडेंट जो है वो ई वन के बराबर होता है, समझ रहे हैं, एंड वाइस वर्सा ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आई वन है वो ई टू है, राइट। हाँ तो अगर आप ये आई वन है और ये आई टू है तो ये आई टू और कुछ नहीं है, ये ई वन ही है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो है डेविएशन सेम आता है। नाउ
कंडीशन हमारा जो है वो मिनिमम वाला ही फेमस होता है। हाँ, नाउ आप देखते जा रहे हैं क्या कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है तो डेविएशन भी बढ़ते जा रहा है, या हम बोले कि ये घटने से भी बढ़ते जा रहा है। चलिए हम आई की मैक्सिमम वैल्यू कितना कर सकते हैं, अरे एक तरफ से तो फॉर डेल्टा मैक्स, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आई की वैल्यू जो है वो आपका 90 हो सकता है। हाँ जी, दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि या तो वो ग्रेजिंगली आपका इंसिडेंट करे, ये बिल्कुल इसी से एकदम ये नाइन्टी डिग्री, तो जो भी ये होगा, जो भी ऐसा ये जा रहा होगा, ये ठीक है ना, तो ये है। या हम इसी चीज को अगर हम लोग एरो को उल्टा कर देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्रिटिकल एंगल, दैट इज कि जस्ट वो निकलेगा। हाँ, तो ये कंडीशन उतना ज्यादा फेमस या बोल लीजिए कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आई को मैक्सिमम 90 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, राइट? बिल्कुल, चाहे वो इंसिडेंट की बारी हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन का बारी है ना। नाउ हम इस पर और डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज द वे, राइट? नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। अपने को डेविएशन वर्सेस जो भी है, डेल्टा है, ये 30 डिग्री है, है ना। एंड एक एंगल जो हम लोग लिख रहे हैं 60 डिग्री, राइट? ठीक है, मैक्सिमम या जो भी, मैक्सिमम से थोड़ा सा छोटा वाला या जैसा भी चाहें तो ले सकते हैं, है ना। मैक्सिमम तो 90 के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। हाँ, ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, सॉरी, राइट? फॉर द गिवन सिचुएशन ये हमारा आई इक्वल्स टू ई है। हाँ जी, फॉर द गिवन सिचुएशन फाइंड द गिवन डेविएशन डेल्टा वर्सेस आई कर्व ऑफ अ प्रिज्म। हाँ, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। बिल्कुल, क्या करा जाए ना, देखिए सीधा सीधा हम लोग समझ रहे हैं क्या करना चाहिए कि अगर ये हमारा आई वन है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। देखिए ये अगर आई वन है तो दूसरा वाला मेरा क्या होता है, ई वन होता है, जो आई टू है, राइट? अगर आप इसको I1 मानेंगे और ये आपका I2 है, देर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच दे रखा है। हाँ जी, लिखते हैं, तो जो I2 होता है वो E1 ही होता है ना। बिल्कुल, और हम इसको यूज कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन लिखें, अगर डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए,
हाँ जी चलिए, अगर आप इसको डेल्टा वन लिखेंगे ये हाँ, तो अगर डेल्टा वन मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री है, आई वन मेरा जो है वो भी 30 डिग्री बता रहा है हाँ, एंड आई टू जो है वो 60 डिग्री है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग भी डेल्टा आपका 30 है, तो यही तो हमारा क्या हो गया इवन, बिल्कुल। एंड दिस इंप्लाइज कि इवन की वैल्यू भी 30 डिग्री है, आप लिख दीजिए फ्रॉम वन, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही है कि दोनों जो एंगल होते हैं आप ध्यान रखिएगा कि एक जो होता है हमारा इंसिडेंट वो पहले वाले का इमरजेंसी है, मतलब रे की डायरेक्शन या एंगल को जस्ट ऑपोजिट कर दीजिएगा हाँ, रिवर्स कर दीजिएगा, डेविएशन सेम आएगा। एनीवे 30 इक्वल्स टू आई वन इज 30 प्लस 60 माइनस ए, ए की वैल्यू 60 डिग्री, हाँ जी बिल्कुल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं है ना। नाउ अगर नेक्स्ट हम लोग चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं इससे रिलेटेड, हाँ जी ई एन प्रिज्म दिया हुआ है आपका रूट टू हाँ, और ये आपका एयर ही है राइट। नाउ इन द गिवन सिचुएशन फाइंड ई एंड डेल्टा, दोनों निकालते हैं हाँ जी। नाउ तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप इसको n मान लीजिए, आप इसको m मान लीजिए, जो भी हाँ, अगर r1 r2 मानना है तो r1 r2 भी लिख सकते हैं, पहले वाले को हम लोग r1 और ये दूसरे वाले को क्या r2 ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल लिख लीजिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अगर हम इसको थोड़ा आगे लिखें तो क्या है, हम जानते हैं डेल्टा जो होता है वो आई प्लस ई माइनस ए है एट एन, हाँ जी एन पर, अगर आप लिखोगे कि एन वन साइन आई वन इक्वल्स टू एन टू साइन आई टू, तो वो आ रहा है 1 × sin 45 हाँ जी एयर इक्वल्स टू एन प्रिज्म इंटू साइन आर वन, तो ये 1/√2 इक्वल्स टू रूट टू और साइन आर वन, आर वन की वैल्यू आ रही है, साइन आर वन आ रहा है 1/2, तो आर वन आ गया अपना कितना 30 डिग्री, यस कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नाउ एंड ये भी है क्या, R1 प्लस R2 मिला के A होता है, बिल्कुल, तो R2 हमारा आ गया A माइनस R1 दैट इज की 75 माइनस 30 यानी कि 45, बिल्कुल लिख लीजिए हाँ जी हो गया। नाउ एट M हम लोग फिर से ये अप्लाई कर देते हैं स्नेल्स लॉ, लिखते हैं
एट एम अगेन एन प्रिज्म साइन आर टू जो आएगा वो एन एयर साइन ई आएगा, बिल्कुल जिसका मीडियम उसी का एंगल और देन ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो ये आ गया रूट टू साइन 45 इक्वल्स टू वन साइन ई, रूट टू वन बाई रूट टू साइन ई। हाँ जी ई की वैल्यू 90 डिग्री जस्ट ग्रेजिंगली आपका निकल पा रहा है ना, ये जस्ट ये ऐसे यहां से पास हो पा रहा है। हाँ जी और ये 90 डिग्री है, ये हमने जस्ट नहीं होता फ्री हैंड या ड्रॉ करा था, एनीवे हो गया। जब सब आपका आ ही गया तो डेल्टा लिखने में क्या है, आई प्लस ई माइनस ए, आई था 45, 90, 75 हो गया। हाँ जी एंड डेल्टा इज 60, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। नाउ देखिए है तो इसमें रिफ्रैक्शन का ही चीज, हम लोग थोड़े थोड़े सिचुएशंस या उन चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हैं, है ना। हम कुछ और सिचुएशंस को देखते हैं प्रिज्म से रिलेटेड।